तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अगर अभी फ्री फायर या फिर फ्री फायर मैक्स ओपन कर रहे हैं और ओपन करने के टाइम कुछ इस टाइप से आपको एरर देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मैं गेम ओपन किया हूँ और ओपन करने के टाइम एक एरर आएगा, उस एरर में कुछ लिखा रहता है एंड उसके बाद गेम जो है आगे नहीं बढ़ता, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ एरर आ रहा है जिसमें नीचे में लोडिंग ये बन चालू हो रहा है, फिर यहाँ पर एक एरर आ जाता है और ओके करने पर भी ये नहीं हटता है, कुछ भी कर लो गेम फिर से चालू कर लो फिर भी नहीं हटता, तो आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आ रहा है गेम ओपन कर रहे हो तो उसे कैसे हटाएं, उसे कैसे फिक्स करें और वो क्यों आता है, आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं और सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और ध्यान से देखना है एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो और भी ऐसे अच्छे अच्छे फ्री फायर के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन का इंटरनेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, यानी कि आपके फ़ोन का जो इंटरनेट का स्पीड है वो कितना है, कितना स्पीड दे रहा है या डेटा जो है वो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो इंटरनेट को चेक करने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है। तो यहाँ पर चलो मैं होम स्क्रीन पर चलता हूँ। ये भी मोबाइल ही है लेकिन ये थोड़ा बड़ा मोबाइल है, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, बाकी जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ना वो सभी मोबाइल में रहता है, तो आप बस ध्यान से देखना, ये कंप्यूटर वाला नहीं है, ये खास मोबाइल वालों के लिए है। तो आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आना है जहाँ पर सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं, मतलब सारे ऐप्स जहाँ से आप ओपन करते हो, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर या फिर यूट्यूब भी तो आप रखते ही होंगे जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप उसमें कोई वीडियो वगैरह प्ले करके देख लेना YouTube में, और अभी तो आप मेरे ख्याल से मेरा वीडियो उसी फ़ोन से देख रहे हैं। तो फिर वैसे में यार देखो इंटरनेट का जो स्पीड है ना कम से कम 200 KB, 300 KB, 400 KB कंटिन्यू स्पीड देना चाहिए। अभी मैं यहाँ पर टेस्ट करके दिखा देता हूँ। चलो मान लो इस वाले गेम को मैं डाउनलोड करता हूँ, छोटा वाला, चलो यहाँ पर हम कुछ करते हैं, VPN मैं लिख दिया, इसको मैं चलो अभी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 25 MB का है, ठीक है, 25 MB का, देखना कितना ज़्यादा फास्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको बस यहाँ पर ना स्पीड टेस्ट करना है, किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर लो और देखो कितना फास्ट डाउनलोड हो रहा है। तो आप ऐसा कुछ डाउनलोड करके देख सकते हो या यूट्यूब में कोई वीडियो चला लो, तो जैसी आपकी मर्जी, बस आपको इंटरनेट को देखना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। कभी कभी ऐसा होता है कि यार इंटरनेट ही नहीं चल रहा होता और हम गेम ओपन करते रहते हैं, या चल रहा होता है तो एकदम स्लो चलता है, अटक अटक के चलता है, रुक रुक के चलता है। तो आप पहले ये देखना कि आपके फ़ोन में नेटवर्क सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो नेटवर्क वाले जगह में जाओ, और अगर डेटा ख़त्म हो चुका है तब तो आप रिचार्ज कराना पड़ेगा, स्पीड स्लो है तो फिर अच्छे स्पीड वाले जगह में जाना पड़ेगा, तब जाके प्रॉब्लम अपने आप से फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा कि इंटरनेट एकदम सही चल रहा है, ये गेम का ही प्रॉब्लम है ऐसा आपको लगता है, तब मैं आपको आगे का सोल्यूशन बताते जाता हूँ, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस का मतलब इसको ऐसे छू के रखना है गेम को। अब ये फ्री फायर भी है, फ्री फायर मैक्स भी है, जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है उसमें आपको करना है, ऐसा छू के रखना है, ठीक है, होम स्क्रीन में टच करके रखना है। फिर यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आएगा, इसमें जाना, उसके बाद आपको मिलेगा फोर स्टॉप का ऑप्शन, आपको फोर स्टॉप करना है और स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज में जाके क्लियर कैश करना है, ठीक है। और जैसे कि मान लो आप इसे ऐसे लंबे समय तक छू के रखते हो तो ऐप इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो फ़ोन के सेटिंग में जाना है आपको, सेटिंग एप्लीकेशन तो है ही सभी फ़ोन में, तो सेटिंग एप्लीकेशन में जाना, वहाँ पर आपको मिलेगा सी आल ऐप्स, या फिर आपको मिल सकता है ऐप मैनेजमेंट या फिर ऐप्स, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उसमें जाना है और आपको सिंपली गेम को सेलेक्ट करना है, वही ऑप्शन यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो यहाँ से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, जैसा आपको ऑप्शन मिल रहा है उसमें से करो, पोस्ट अप करना है और क्लियर कैच करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आपको अपने फ़ोन का जो पावर बटन होता है जिससे आप फ़ोन को बंद चालू करते हो, राइट साइड में वो होता है, तो फिर उसको लॉन्ग प्रेस करना, लॉन्ग प्रेस करने के बाद वहाँ पर आपको मिल जाएगा रीस्टार का ऑप्शन, आपको रीस्टार करना है। और जैसे कि मान लो रीस्टार का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो फिर आप वहाँ पर उसके जगह रिबूट का ऑप्शन ढूंढना, रिबूट का भी नहीं मिलेगा तो फिर आप पावर ऑफ कर लेना, ठीक है, तो जो पहले मिल रहा है वो कर लेना, और मेरे ख्याल से तो सभी फ़ोन में रहता है रीस्टार का ऑप्शन, तो आप वो करना, उसके बाद आपको सीधे गेम को ओपन करके देखना है, ऐसे में बहुत लोगों का फिक्स हो जाएगा। अब अगर आपने ऐसा किया उसके बाद फिक्स नहीं हो रहा तो हमारा जो अगला स्टेप है वो ये है, जैसे कि मान लो आप गेम ओपन किए हो उसके बाद एक एरर आता है जहाँ पर लिखा रहेगा कुछ भी लिखा रहेगा एरर में, तो आपको वहाँ पर एक ओके का बटन भी मिलता है एरर के बगल में, ठीक है, तो उस ओके के बटन में ना कम से कम 10 बार प्रेस करना जब तक वो एरर हट नहीं जाता। कभी कभी ऐसा होता है यार गेम ओपन करोगे तो कुछ भी एरर दिखा देता है फ्री फायर और उसके बाद हमको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, तो इस वजह से हम मतलब कोशिश ही नहीं करते, तो कम से कम उसमें 4 बार 5 बार 10
10 बार आप क्लिक करो, उसके बाद देखना वो अपने आप से हट जाएगा। कई बार मैं ऐसा कर चुका हूँ, कई बार वो अपने आप से हट भी जाता है और कई बार ऐसे करोगे तब भी हट जाएगा। तो आपको कम से कम उस एरर में ना 10 बार कम से कम क्लिक करना है। जैसे ओके में क्लिक करो फिर आएगा एरर, फिर क्लिक करो फिर आएगा, फिर क्लिक करो फिर आएगा, ऐसे बार बार आपको करते जाना है। वैसे में हट जाएगा, कम से कम 10 बार आपको करना ही है। और अगर वैसे में भी नहीं हट रहा तो फिर यार ये फाइनल सॉल्यूशन आपको मैं बता रहा हूँ। आपको अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाना है वापस से, और उसके बाद यहाँ पर जो गेम है इसको लॉन्ग प्रेस करना। लॉन्ग प्रेस करने के बाद वही ऐप इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन में जाना है और आपको स्टोरेज मिलेगा या फ़ोन स्टोरेज कुछ भी रहेगा, यहाँ पर स्टोरेज वगैरह रहेगा, इसमें आपको जाना है। डेटा का भी रह सकता है। तो इसमें जाने के बाद यहाँ पर क्लियर डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली कर देना है, लेकिन ध्यान ये रखना कि क्लियर डेटा करने से गेम डिलीट भी हो जाता है बहुत से फ़ोन में डिलीट नहीं होता, और ये चीज़ तो डिलीट होता ही है। जब आप किसी भी गेम को डिलीट करोगे तो मैं बता देता हूँ, जो एक्सपेंशन पैक होता है, जो कॉस्ट्यूम पैक मैप डाउनलोड करके रखे हो गेम के अंदर, वो तो डिलीट होना ही होना है। क्लियर डेटा करोगे तब भी डिलीट होगा, गेम अगर अनइंस्टॉल करते हो तो भी डिलीट होगा। साथ ही साथ जो आपने HUD बना रखी है, फायर का बटन, ग्लूवाल का बटन, ये सब सेट किया हो, वो भी डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने अपने ID में अपलोड कर लिया है उसे, तब तो डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद जो आपका ID है फ्री फायर का, वो लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। ID पासवर्ड डाल के फिर से लॉग इन करना पड़ता है। तो इतना चीज़ होता है गेम को डिलीट करने में, यानी कि इंस्टॉल करोगे तो, लेकिन क्लियर डेटा करोगे तो ये सब तो होगा ही, साथ ही साथ जो गेम है ना वो डिलीट नहीं होगा। तो ये आपका फ़ायदा है, मतलब किसी किसी फ़ोन में हो सकता है, मतलब 10% फ़ोन में होगा, 10 बाकी के 90% फ़ोन में गेम डिलीट नहीं होगा। तो आप क्लियर डेटा कर लेना, क्लियर डेटा एकदम फाइनल सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। या गेम को डिलीट कर लो या क्लियर डेटा कर दो, लेकिन क्लियर डेटा में जो गेम है वो कभी कभी किसी किसी फ़ोन में डिलीट नहीं होता। तो आपको लास्ट में क्लियर डेटा ही करना होगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है इस एरर को हटाने के लिए। और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप क्लियर डेटा कर रहे हो उसके बाद भी फिक्स नहीं हो रहा, तो ये गेम का ही प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी फ्री फायर के साइड से भी आता है, जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता, वो अपने आप से फिक्स होता है। तो या तो आप पहले थोड़ा 4-5 घंटा वेट कर लो, अगर गेम के साइड से हो रहा है तो अपने आप से हो जाएगा, और अगर आपके पास डेटा है तो कर लो, फिर से डाउनलोड कर लेना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन डेटा नहीं है तो पहले वेट करो, उसके बाद क्लियर डेटा करना, ठीक है। तो वैसे में आपका डेटा भी बच जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको इस प्रॉब्लम को फिक्स करना है, जो सॉल्यूशन बताया उसको अपने फ़ोन में अपनाओ, और ये प्रॉब्लम 100% फिक्स हो जाएगा। और अगर फिक्स होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।